हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा का पर्पस जान लेते हैं कि हम इसको इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ओके, अभी हम फाइनाइट ऑटोमेटा को एक मशीन की तरह कंसीडर कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग ऑफ सिंबल को इनपुट लेता है और आउटपुट में हमको स्टेट देता है। ठीक है, इट टेक्स स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज ए इनपुट and changes its state accordingly. Okay. When the desired symbol is found, then the transition will occur. Okay, अभी ये जो पॉइंट है, हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को निकलने के बाद मैं आपको सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक डायग्राम निकालता हूँ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोलेंगे उसको। सपोज ये है हमारा Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्टेट्स। ठीक है, और जो हम सिंपली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिशंस होते हैं हम वो एरो सिंबल से शो करेंगे। ठीक है, सपोज हमने ट्रांजिशन शो किया है Q0 से Q1 तक इस एरो सिंबल से, और Q1 से Q2 एंड Q2 से Q3। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। हाँ, हमारे पास ये भी ट्रांजिशन हो सकता है Q1 से Q3 या Q2 से Q3। ठीक है, जो हमारा फाइनल स्टेट होता है हम उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज Q3 हमारा फाइनल होगा तो हम उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इनिशियल स्टेट होती है हम उसको एरो सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, हाँ, तो अभी इस पॉइंट का मतलब क्या है, इट टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज इनपुट। सपोज यहाँ पे इनपुट है हमारा 0 and 1, 0 and 1, 1, 0। तो फॉर द इनपुट 0 आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजिशन Q0 से Q1 तक हुआ है। फॉर द इनपुट 0 इट टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज इनपुट एंड चेंजेस इट्स स्टेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ सिंबल को इनपुट की तरह एज ए ये कंसिडर कर रहा है और इसकी स्टेट चेंज कर रहा है। एंड व्हेन द डिजायर्ड सिंबल इज फाउंड द ट्रांजिशन विल ऑकर। ठीक है, हमारा डिजायर्ड सिंबल इस केस में होगा 0 and 1। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन द ऑटोमेटा कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट. ओके, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन द ऑटोमेटा कैन आइदर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट. ठीक है, इसका मतलब है ट्रांजिशन हो एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन. आप यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से ये एरो से हमारा को ट्रांजिशन दिखा रहा है. तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुँच गए, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू वन में चले गए. हाँ, तो इसका मतलब है अगर सपोज मैं यहाँ पर एक और ट्रांजिशन शो करता हूँ फॉर द इनपुट वन, तो इसको हम सेल्फ ट्रांजिशन बोलेंगे. मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन तो हो रहा है पर हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही, ठीक है, हम क्यू नॉट पे ही स्टे हो रहे हैं. सब और यहाँ पर मैं एक और ट्रांजिशन शो करता हूँ फॉर द इनपुट ज़ीरो. फॉर द इनपुट ज़ीरो वी अवर ट्रांजिशन ऑकरिंग, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन तो ऑकर हो रहा है लेकिन हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही. ओके, हम क्यू थ्री में ही रिमेन है, इसका मतलब, और इसको हम सेल्फ ट्रांजिशन भी बोलते हैं. ठीक है, सेल्फ ट्रांजिशन. हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में दो स्टेट होते हैं, एक स्टेट बोल होते हैं इसको बोलेंगे एक्सेप्ट स्टेट और दूसरी को बोलेंगे हम रिजेक्ट स्टेट. फाइनाइट ऑटोमेटा एक होती है एक्सेप्ट और दूसरी होती है रिजेक्ट. ठीक है, अभी रिजेक्ट और किसे बोलेंगे और एक्सेप्ट किसे बोलेंगे. ठीक है, when the string is processed successfully and the automata reaches its final state, then we can say that this is our accept state. Okay, when the input string is processed and the automata reaches its final state and the reaches final state, then it will accept. ठीक है, अभी हम स्टेट इस डायग्राम पे चलते हैं. सपोज व्हेन द इनपुट स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड एंड द ऑटोमेटा रीचेस इज फाइनल स्टेट. सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ 0 1 0 और 0. सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने ये स्ट्रिंग लिया है. अभी हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं. वैलिड कब होगी, जब हम फाइनल स्टेट में रीच कर जाएंगे. ठीक है, तो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्यू नॉट पे. क्यू नॉट हमने 0 इनपुट पास किया तो क्यू वन पे चले गए, और जब 1 पास किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम क्यू टू में जा सकते हैं या क्यू थ्री में जाते हैं. तो मैं अभी क्यू टू की केस लेता हूँ. फॉर द इनपुट 1 हम क्यू टू में चले गए, और उसके बाद फॉर द इनपुट 0 हम क्यू थ्री में आ गए. और उसके बाद और एक हमारा है ये वाला 0, ये अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है. तो हम वैलिड स्ट्रिंग तभी बोलेंगे, हमको सारी स्ट्रिंग को कम्प्लीटली कंज्यूम करना है उसके बाद डिसाइड करना है. ठीक है, और उसके बाद है हमारा और एक 0.
तो अभी हमने इसको सेल्फ ट्रांजिशन शो किया है, तो वो Q3 में ही रिमेन रहेगा। हाँ, तो हमारी स्ट्रिंग कम्प्लीटली कंज्यूम हो गई है, और उसके बाद कंज्यूम होने के बाद हम रीचेज हम कहाँ पे फाइनल स्टेट में रीच कर गए, तो ये वाली स्ट्रिंग हो गई हमारी वैलिड स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम बोलेंगे वैलिड स्ट्रिंग, और इस स्टेट को बोलेंगे हम एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सा प्रिंसिपल्स, और आप बोल सकते हैं कि ये बेसिक्स है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा के। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स देखेंगे, जो कि है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।